नमस्कार दोस्तों, मैं आपका देवेंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों आज का जो टॉपिक है रिलेटेड टू बॉयलर है, क्योंकि काफ़ी सारे पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़े हैं, तो सोचा कि जिस तरीके से जनता कर्फ्यू लागू है तो मैंने सोचा कि क्यों ना पेंडिंग रिक्वेस्ट को पूरा कर लिया जाए आज। तो दोस्तों आज हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फ्लूडाइजेशन एट बिहाइंड द AFBC बॉयलर एंड द PFBC बॉयलर, एंड वी नो अबाउट द इन दिस वीडियो हाउ टू फ्लूडाइजेशन ओकर इन AFBC बॉयलर एंड PFBC बॉयलर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि AFBC बॉयलर और PFBC बॉयलर या फिर बबलिंग बेड में फ्लूडाइजेशन किस तरीके से होता है। इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने जो डायग्राम दिया है, काफ़ी सारे लोग इस डायग्राम से भलीभांति परिचित होंगे, क्योंकि ये नॉर्मली AFBC बॉयलर का जो मैंने डायग्राम यहाँ पे लिया है, मैं इसी के थ्रू मैं सारा जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ फ्लूडाइजेशन, मैं आपको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करके बताऊंगा। आई होप यदि आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं काफ़ी अच्छे से डिटेल्स और कुछ काफ़ी टेक्निकल पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करूंगा जो कि नॉर्मल ऑपरेशन में हम नहीं जान पाते। तो आज मैं वो कुछ चीज़ें बारीकी से जो मैंने सीखी है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो स्किप मत करना डियर। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो थोड़ा सा हम फ्लूडाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यदि इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये जो फ्लूडाइजेशन टेक्नोलॉजी हमारे बीच में 1980 से स्टार्टेड है, क्योंकि एट द टाइम हमारे इंडस्ट्री में मोस्टली टू दो टेक्नोलॉजी है जो कि मोस्टली यूज हो जाती की जाती थी, वो था एक नंबर वन था पोलराइजर क्वालिफाइड यूनिट्स, और एक था सेपरेटर स्ट्रोकर जिसको हम ट्रेवलिंग जो मॉडिफाई वर्जन है वो ट्रेवलिंग रेट है। तो एट द टाइम जो अपनी जो फ्लूडाइजेशन है, जो AFBC यूनिट है, वो अपनी मेनली एक ही चीज़ पे बेस्ड थी जो कि इलेक्ट्रिक जनरेशन पे बेस्ड थी। तो अभी क्या है, अभी यदि हाल ही की बात करें तो जो ये AFBC यूनिट है हम छोटे छोटे यूनिट्स में भी प्रोवाइड करने लगे, जो प्रोसेस बॉयलर्स होते हैं उस तरीके से भी हम ये टेक्नोलॉजी यूज करने लगे, क्योंकि एट दैट टाइम वो उतने मॉडिफिकेशन नहीं हुए थे उस यूनिट में। तो अभी क्या है, अभी जो मॉडिफिकेशन हो गई है वो अपने प्रोसेस के रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग, और जो अपने मल्टीफायर्ड यूनिट है, एट दैट टाइम क्या था कि जो फ्लूडाइजेशन यूनिट थी वो सिर्फ कोल बेस्ड थी, तो इसलिए एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही हम इसको यूज करते थे। जैसे कि अपने जो बड़े बड़े गवर्नमेंट प्लांट्स थे एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक जनरेशन के यूज करते थे, तो ये मोस्टली जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री थी वहीं पे यूज होते थे। तो जैसे जैसे अभी जो इसका जो नॉर्मली ट्रेंड आया है वो 1991 से आया है, क्योंकि 1991 में हमने इस टेक्नोलॉजी में कम से कम 100 मेगावाट टू 160 मेगावाट के अराउंड हमने इस यूनिट में मॉडिफाई कर दिया था। तो एट दैट टाइम जो 1980 की बात करें वहाँ पे तो वो एज ए 50 मेगावाट, तो इस तरह की यूनिटें हम सिर्फ कोल फायर्ड यूनिट ही चलाते थे। तो अभी हम क्या है, मल्टी फायर्ड यूनिट्स हमने सेटअप कर लिए हैं, तो हमने इतना मॉडिफिकेशन कर दिया है और इतने इनके डिज़ाइन में हमने सक्सेस पा ली है। तो थैंक्स टू आवर इंजीनियर्स जो डे बाई डे इस पर रिसर्च करते रहते हैं। तो अभी जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो नॉर्मली जो ये फ्लूडाइजेशन यूनिट हमारे जो ट्रेंडिंग में आया है वो 1991 से आया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस मैकेनिज्म ऑफ फ्लूडाइजेशन की, क्या मैकेनिज्म होता है कि फ्लूडाइजेशन किस तरीके से होता है। ये सभी बॉयलर्स के अंदर, चाहे वो बबलिंग बेड है, बबलिंग बेड से ही AFBC यानी एटमोस्फेरिक फ्लूडाइजेशन बेड कंबसन ही क्रिएट हुआ है। तो ये इवन मैं आपको बताऊंगा कि बबलिंग बेड किस को बोला जाता है और एटमोस्फेरिक फ्लूडाइजेशन बेड कंबसन बॉयलर किसको बोला जाता है, वो चीजें सारी चीजें इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाए हैं थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं, आफ्टर दैट मैं फिर आपसे आगे से स्टार्ट करता हूँ कि किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ फ्लूडाइजेशन होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने जो ये अरेंजमेंट बनाया है तो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ये AFBC एटमोस्फेरिक फ्लूइड बेड कंबसन बॉयलर की जो अरेंजमेंट है मैंने बनाया है। तो देखो मेरे चैनल्स में जो मेरी ऑडियंस है वो, मैंने इस चैनल को पर्पस इसी से बनाया है क्योंकि
इन वीडियो से वो जो सेकंड क्लास बॉलर अटेंडेंट है, फर्स्ट क्लास बॉलर अटेंडेंट है, क्योंकि जो स्टेप टू स्टेप जो ऑपरेटर्स होते हैं उस वीडियो से बेनिफिट उठाए। जो प्रो लेवल में आते हैं उनके लिए मैं अलग से जो मेरा वेबसाइट है वो प्रो लेवल की इन्फॉर्मेशन में वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ यदि आप प्रो लेवल में आते हो तो आप प्लीज़ मेरी वेबसाइट www.askpowerplant.com पर जाइए और अपने प्रो लेवल की नॉलेज वहाँ आप वहाँ से लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक नॉलेज देता हूँ। लोग मुझे बार बार बोलते हैं कि सर यू आर नॉट गेट टू द पॉइंट, तो सॉरी फॉर दैट। तो मैं उन्हीं के लिए बनाता हूँ जो कि मेरे जो लोअर लेवल है वो उससे अपडेट हो और अपने आप को अपडेट रखे, ताकि वो इनके थ्रू अपनी नॉलेज गेन करे और अपने आप को एक उस लेवल तक लेके जाए, ताकि क्योंकि इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं डे बाय डे, तो वो ना हो और उससे अवेयर हो। तो मेरा मोटिव यही रहता है वीडियो बनाने का। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा मैं इसके बारे में, रेजिमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ, तो फर्दर आप हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि एयर सर्किट के बारे में बात करूं मैं इससे, तो ये जो अपना एयर फ्रॉम द एफडी फैन, क्योंकि जो मैकेनिज्म है मैं इसी के थ्रू ही इससे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लूडाइजेशन में। ये अपना यहाँ से जो एफडी एयर फैन है यहाँ से अपना बेड को एयर देता है। आफ्टर दैट प्राइमरी एयर फैन है जो कि कॉल होपर के थ्रू अपने जो कोल नोजल्स है उसके थ्रू इंजेक्ट करता है फ्यूल बॉयलर के अंदर। ये अपने मैंने इंडिकेट कर रखा है ये कोल नोजल से। आफ्टर दैट ये एयर नोजल से जिसके थ्रू से एयर एफडी एयर बेड के अंदर जाता है। तो आफ्टर दैट ये अपना कोल होपर है जिससे कोल कंटिन्यूसली कोल अपना जो अपने मिक्सिंग नोजल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एयर फैन तो ये इंजेक्ट करता है कॉल नोजल के थ्रू बेड के अंदर। तो ये अपने यहाँ पे फीडर लगा है जो कि पॉकेट फीडर हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक फीडर हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ये अरेंजमेंट्स होते हैं। आफ्टर दैट ये है बेड कॉल्स, आप सभी को पता होगा। आफ्टर दैट आता है इकोनोमाइजर, फिर एयर हीटर, और ये तो जनरल अरेंजमेंट थे इसके। तो आफ्टर दैट ये मैंने कुछ ग्राफिकल जो मैंने ये यहाँ पे ग्राफ इंडिकेट कर रखा है इसके बारे में आपको आगे बजा के बताऊंगा, क्योंकि इसको जो मैकेनिज्म फ्लूडाइजेशन इसको समझने के लिए काफ़ी अच्छा ग्राफ है ये। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस पे अपना वेलोसिटी है और सॉरी एक्स एक्सिस पे अपना इंक्रीजिंग एक्सपेंशन है और वाई एक्सिस पे अपना वेलोसिटी है। तो इसमें हमने जो कंपैरिजन किया है उसमें मीन गैस वेलोसिटी और मीन सॉलिड वेलोसिटी, और जो इसका जो मैक्सिमम यहाँ पे जो गैप है उसको हमने स्लिप वेलोसिटी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन सॉलिड वेलोसिटी टू द मीन गैस वेलोसिटी। तो ये आगे मैं इसको बारे में बताऊंगा, अभी तो आपको पता नहीं लगेगा। तो डियर अभी स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ फ्लूडाइजेशन की फ्लूडाइजेशन किस तरीके से होता है। तो लेट्स स्टार्ट। मैकेनिज्म ऑफ फ्लूडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में मैं जो मैकेनिज्म ऑफ फ्लूडाइजेशन है वो आपको थोड़ा सा इंग्लिश में बताऊँ, आफ्टर दैट मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा कि उसका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्लूडाइजेशन? मैकेनिज्म ऑफ फ्लूडाइजेशन इज दैट व्हेन ए इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एयर पासिंग अपवर्ड टू द ए फाइनली डिवाइडेड बेड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सच एज सेंड ऑन ए फाइन मैस, तो देन ईच एंड एवरी पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ए लो वेलोसिटी ऑफ एयर। तो इसका मतलब ये था कि जब कभी भी हम एक यूनिफॉर्म यानी सम्मानपूर्वक जो एफ डी एयर है, फैन है, जो एफ डी फैन की एयर है वो हम बेड को देते हैं जो कि सॉलिड पार्टिकल्स या इवन दैट की जो बेड मटेरियल होता है वो बेड के ऊपर एक सम्मानपूर्वक जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम एफ डी एयर उसको देते हैं बेड के थ्रू, तो क्या आपने जब भी देखा होगा जब हम लाइट अप करते हैं या बेड प्रिपेयर करते हैं तो आफ्टर दैट क्या करते हैं कि उसमें थोड़ा सा एफ डी एयर दे के देखते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम उसको एफ डी एयर देते हैं जो जो बेड मटेरियल होता है जो कि अनयूनिफॉर्म होता है कि कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो आफ्टर दैट क्या होता है कि जब हम उसको एफ डी एयर देते हैं तो आपने देखा तो एक सम्मानपूर्वक वो अपनी शेप में आ जाता है। तो क्या है कि जैसे ही हम उसको एयर देते हैं तो
तो वो सॉलिड जो अपना बेड मटेरियल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक एट ए लो वेलोसिटी ऑफ एयर। सपोज दैट कि हमने 20% उसको एफडी एयर दिया, तो उसमें क्या हुआ कि जो 20% हमने एफडी एयर दिया तो उसमें क्या है यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेड मटेरियल, तो उस एट दैट टाइम क्या हुआ उसमें फ्लूडाइजेशन नहीं हुआ। तो ऐसे ही जैसे कि हमने वहां पे 20% दिया था, तो इसको हम चेक करते कि किस परसेंटेज ऑफ एफडी एयर पे हमारा फ्लूडाइजेशन स्टार्ट हुआ। आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने 40%, ये हर एक यूनिट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है कि किसी पे 40% एफडी एयर पे फ्लूडाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, किसी पे 60% पे फ्लूडाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मीन्स डेट कि फ्लूडाइजेशन मीन ये है कि स्टार्टिंग में तो फ्लूडाइजेशन नहीं हो, स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हमारा सपोज डेट कि 40% एयर है तो हमने एफडी एयर 40% दिया है, तो उसमें क्या है आपने देखा होगा जो बैड्स के अंदर जो क्या है बबल क्रिएट होंगे, ऐसे ऐसे बबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि जैसे कि वो बबल बबल क्रिएट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं बबलिंग बैड, बबलिंग बैड। तो अकॉर्डिंग टू द इंजीनियरिंग तो इसको ये बबल बबलिंग बैड किस इस पे होता है, ये होता है जब हम एफ डी एयर 1.5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हम एयर प्रोवाइड कराएंगे टू द बैड, तो क्या है वहां पे बबल क्रिएट होंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमें इस तरह के यूनिट में हमें जो बैड मटेरियल वो फिल नहीं करना पड़ता। आपने कभी देखा होगा जो बबलिंग बैड यूनिट होते हैं इस तरीके से, अभी मैंने हाल ही में मैंने इसको ऑपरेट किया है, क्योंकि जो जैसे कि थर्मोपैक बॉयलर्स होते हैं, थर्मोपैक हीटर होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम लाइमस्टोन का बेड बना के आफ्टर दैट उसमें फ्लूडाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें रिसाइकलिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें क्या है जो बेड बनता है वो लाइमस्टोन का ही बनता है, आफ्टर दैट वो कर्स होने के बाद वो एज ए जैसे कि हम बेड मेटल फिल करते हैं उसी उसी तरीके के फॉर्म में आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि स्टार्टिंग में बबल्स क्रिएट होते हैं, उसमें पूरा बेड क्या बोलते हैं जो डायनेमिक फॉर्म में नहीं आता, उसमें सिर्फ बबल क्रिएट होते हैं। तो आफ्टर दैट क्या होता है कि वे 1.5 मीटर सेकेंड के हिसाब से जो हम इसको एयर देंगे उसमें धीरे धीरे करके बबल्स क्रिएट होंगे, तो उसमें क्या कहते हैं एट दैट इस कंडीशन में जो होता है वो बबलिंग बेड उसको हम बोलते हैं। तो आफ्टर दैट जैसे ही हम 40% से हम मान लें दैट कि 60% हमने इसको एफडी एयर दिया, 60% इसको एफडी देर किया, तो क्या है आफ्टर दैट क्या है बबल्स क्या होंगे, बबल्स जल्दी जल्दी कोलेप्स होंगे। तो क्या होगा कि आपको जल्दी और उसको थोड़ी सी 65% पे एयर हमने दे दी, तो आफ्टर दैट उसमें बबल्स क्रिएट नहीं होंगे, क्या होगा कि एक सारा बेड जो है आपको दिखा कि एज ए उसका डायनेमिक फॉर्म में आ जाएगा और बिहेव एज ए लाइक ए लिक्विड। आपने जिस तरीके से देखा जैसे लिक्विड ऐसे पानी ऐसे हिलता है, तो एट डेट टाइम क्या होगा वो बेड इस फॉर्म में आ जाएगा। तो एट डेट क्या होगा कि हमारा जो जो एयर वेलोसिटी होगी वो 4.5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एज पर द रिकमेंडेशन, तो क्या है वो अपना फ्लूडाइजेशन के कंडीशन में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम इसको फ्लूडाइज बेड बोलेंगे। तो क्या है आई थिंक आपने डिफरेंस पता लग गया होगी व्हाट इज द बबलिंग बेड एंड व्हाट इज द फ्लूडाइजेशन बेड। तो आई होप यदि आपको नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे बताइए कि मैं आपको पर्सनली कमेंट करके भी इसके बारे में बता दूंगा। तो अभी जो हमने तो इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं फ्लूडाइजेशन। तो थोड़ा सा इसमें आपको मैं क्योंकि मैंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से मैंने ये नॉलेज इकट्ठा किया, तो मैं आपको हर एक उसके सोर्स के मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूंगा। सपोज दैट जैसे कि हमने यहाँ पे फ्लूड दे, अभी मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट सोर्स से जो मैंने नॉलेज लिया है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ जो कि हिंदी में है। तो जैसे कि हमने इसको एफ डी एयर हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एयर नोजल्स हमने बेड को दिया, तो क्या है जब अपना जो बेड है जो स्टेडी स्टेट में कंडीशन होता है यानी स्थिर अवस्था में होता है, तो उसमें क्या होगा कि पूरा पूरा बेड स्थिर अवस्था में है, तो क्या है कि जब हम इसको सपोज दैट की जैसे मैंने इसमें बताया कि 40% हमने इसको एयर दिया, तो क्या है कि जो जो अपना सॉलिड पार्टिकल्स है जो बेड मटेरियल है जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो एयर गैप होता है वो सपोज दैट 20% में एयर पास नहीं हो रहा है, तो आफ्टर दैट हमने 40% उसको एफ डी एयर दिया, तो क्या है जो इसके बीच में गैप होता है वो एयर उन गैप्स के अंदर से निकलती रहती है। फिर क्या होगा फिर इसमें क्या है जो जो ये
सस्पेंशन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि सस्पेंशन क्रिएट होगा क्योंकि हिलने लग जाता है, जो जो एयर गैप होता है उसके बीच में जो हिलने लग जाते हैं। जैसे ही हम सपोज दैट कि 45% पे हमने एफडी एयर दिया, तो फिर क्या है कि जो भी पूरा जो बेड मटेरियल है पूरी तरीके से हिलने लगता है। तो हिलने लगेगा क्या है कि उसमें यदि 45 to 50 अगर क्या है उसमें एयर गैप उसमें से निकलता रहेगा, तो क्या बबल्स क्रिएट होते रहेंगे, बबल्स क्लैप्स होते रहेंगे। तो आफ्टर दैट फंडा वही है जो मैंने अभी पहले बताया। तो थोड़ा सा मैंने तो क्या है कि जैसे कि हमने इसको 45% हमने इसको बढ़ाया, तो क्या है इस बेड मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो क्या है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो इसका मीडिया है वो पूरा डेंस यानी घना हो जाएगा। आपको आपने देखा होगा कि जब आप फ्लूडाइजेशन करते हो तो पूरा एक तरीके से डस्ट का क्लाउड सा फॉर्म होता है, आपने देखा होगा कि जैसे कि फुहारे फूटते हैं लाइक दैट। तो इस तरीके से हो जाएगा। आई थिंक आपने जो जो ये मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म ऑफ फ्लूडाइजेशन है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज, थोड़ा सा मैं इसके आपको अभी यहाँ पे इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही कि ये जो हमने यहाँ पे एयर दिया है इसको बोला गया, हमने जो मीन गैस वेलोसिटी है इसको हम गैस या एयर बोल सकते हैं या फिर गैस बोल सकते हैं। तो इस साइड में हमने यहाँ पे लिया जो हम एफ डी एयर इसको बेड को जो प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या है मीन गैस वेलोसिटी, और जो ये क्या है कि मीन सॉलिड वेलोसिटी क्या हो गया, जो कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनका जो मूवमेंट है, जो उनका मूवमेंट है ये हमने यहाँ पे लिया है। आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा आगे जाके फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसका रीजन ये है कि स्टार्टिंग में जो हम एयर देते 20% 40%, तो स्टार्टिंग में क्या है फ्लूडेंस नहीं होता, ठीक है। एक जब 40% आता है तो क्या है गैस तो अपना हम जो एयर है हम सडनली अपना जितना उसमें फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो रिएक्ट करेगा। तो क्या है ये अपना स्टेट ही बढ़ता चला जाता है क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग उतना ही देगा जितने, तो क्या इसका ये स्ट्रेट ग्राफ में जाएगा। तो आफ्टर दैट क्या है जो इसका इफेक्ट यहाँ पे बेड मटेरियल पे पड़ेगा वो क्या है, वो धीरे धीरे पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब भी हम फ्लूडाइजेशन चेक करते हैं तो हम जो कंट्रोल रूम में जो ऑपरेटर होता है उससे कॉन्टेक्ट करके रहता है कि आप 30% बढ़ाइए 40% बढ़ाइए, तो फिर आप उसको बता देते कि सर 50% पे फ्लूडाइजेशन स्टार्ट हो गया है या फिर 40 पे क्या है 40 पे हमारा बबल क्रिएट हो रहे हैं। तो उसी की चीजें हैं यहाँ पे है। तो ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि फ्लूडाइजेशन के बारे में काफी और ज्यादा डीपली नॉलेज जानना चाहते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे जो मीन सॉलिड वेलोसिटी है, जो कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट शो करता है, यहाँ पे जो मीन गैस की वेलोसिटी है वो क्या है एयर फॉर्म एफ डी फैन को शो करता है कि हमें तो क्या है इसमें जो मीन सॉलिड वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द मीन सॉलिड वेलोसिटी और मीन गैस वेलोसिटी इज कॉल्ड द स्लिप वेलोसिटी। तो स्लिप वेलोसिटी के क्या क्या बेनिफिट है कि एट दिस मोमेंट हम हायर हीट कोफिशेंट हम यहाँ से कैट कर सकते हैं। तो क्या क्या इसमें क्या होगा कि ये एक तो इन द सेंस ऑफ ऑपरेशन देखा जाए तो ये जो स्लिप वेलोसिटी है वो हमारी वो कंडीशन होती है कि जब आपका जो आप बेड मटेरियल जो फ्लूडाइजेशन करवा रहे हो तो क्या है वो आपका बेड मटेरियल एस्केप आउट होके नहीं जा रहा है, और क्या है आपको जो हीटिंग वैल्यू है जो आप एफ डी एयर दे रहे हो वहां पे प्रॉपर कंबसन हो रहा है, तो वो एक कंडीशन होती है कि उसको हम कहते हैं स्लिप वेलोसिटी कि भाई हमने इतना परसेंट एफ डी परसेंट हमने एयर उसको दे दिया कि ना तो हमारा जो बेड मटेरियल है विंड बॉक्स से बाहर उछल के आ रहा है और हमें क्या है प्रॉपर फ्लूडाइजेशन मिल रहा है और कंबसन ऑफ फ्यूल अच्छी तरीके से वहां पे हो रहा है। तो ये जो गैस वेलोसिटी जो एयर वेलोसिटी है वो जैसे कि मैंने इसके लिए बबलिंग मैटिक 1.5 बताया और फ्लूडाइजेशन के लिए 4 मीटर पर सेकेंड की मैंने इसको बताया। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ काफी हेल्पफुल होगा। तो डियर अभी थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि क्योंकि क्यों फ्लूडाइजेशन टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आया, क्योंकि सबसे अच्छी बात इसकी ये है क्योंकि अभी हाल ही में इसको मल्टीफाइड फ्यूल के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, और इसकी काफ़ी एडवांटेज है क्योंकि इनिशियली क्या है जो
इसमें एक सबसे स्टार्टिंग यूनिट्स में हम इसको क्यों किया, क्योंकि हमें इसके लिए जो एनवायरो इशू होते हैं जैसे कि सॉक्स नॉक्स है, सॉक्स नॉक्स में क्या है कि इसको हम किसी एक्सटर्नल यूनिट को सेटअप ना करके हम इसमें सॉक्स नॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरीके से कि लाइमस्टोन ऐड करके जो पावर प्लांट इंजीनियर है उसको अच्छी तरीके से पता है। तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं क्योंकि मल्टी फ्यूल फायर्ड है और इसके जो ऑपरेशन है वो काफ़ी ईजी है, तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। तो हाल ही में आपने लोग जो इसको चलाते हैं तो हर एक यूनिट के अपने एडवांटेज है अपने डिसएडवांटेज, लेकिन इसका जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से इसी की वजह से लोग इसको काफ़ी परचेज करते हैं इस यूनिट को। और आई थिंक आपको मैंने इसमें काफ़ी कुछ और बताना था क्योंकि वीडियो लेंथ ही हो रहा है, आप खुद बोलते हो सर आप काफ़ी लंबे वीडियो बनाते जो अच्छे नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे 5 या 10 वीडियो नहीं बनाने पड़े, तो मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं इतना टाइम नहीं दे पाता, इस तरीके से मेरे लिए वीडियो लेट होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं फिर मिलूंगा एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तो यदि आपको इस पूरे वीडियो में कुछ भी आपको इश्यू हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपका बिल्कुल हेल्प ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों जिस तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय आपदा आ गई है हमारे देश में, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन है सभी को पता है, मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और अपने परिवार और अपने लिए उन रूल्स को फॉलो करो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।